खाना बनाते समय अचानक लगी आग, गृहस्थी सहित अन्य सामान जलकर हुआ राख। यूपी के जनपद बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक घर में खाना बनाते समय आग लग गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद बांदा के थाना कमासिन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत घटाना से सामने आया है, जहां पर खाना बनाते समय अचानक ही आग लग गई और आग की लपटों से सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं जानकारी मिली कि खटान गांव के रहने वाले कल्लू के घर में दोपहर को लगभग 11:30 बजे खाना बनाते समय चूल्हे से चिंगारी निकली। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे घर में अन्य जगहों पर भी आग फैल गई और धीरे धीरे आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पीड़ितों द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया कि घर में खाना बनाते समय आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगे बताया गया कि हमारे घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, अनाज, बर्तन, कपड़ों सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी बुद्ध विलास ने मौका मुआयना किया और 1,000 रुपयों की आर्थिक सहायता की। बहन जी, क्या नाम है आपका? रजनी। कौन सा गांव है ये? कल्लूपुर खटान। क्या घटना हुई है? बगीचे में रहे थे, आगे यहाँ से लग गई है, लोग देखे भी नहीं है, वहाँ से जब देखे तब जलता रहा, तब भागे हैं, तो कुछ सारा सामान भर गया, निकाल नहीं पाए। कितने समय घटना हुई है? 11:30 बजे। 11:30 बजे उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब आग लगी है? बगीचा में। बगीचा में और कोई घर पे मौजूद नहीं था क्या? कोई नहीं रहा, बस दूठे लड़का बस रहे छोटे छोटे, तो नहीं दिखे, नहीं आई मंगन से अम्मा हम आई है तो वहाँ दिखे नहीं, तो घर आए हैं। तो कैसे आग कुछ पता लगा आग कैसे लगी है? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं कैसे आग लगी। क्या क्या नुकसान हुआ होगा आग से? गेहूँ जलगा रहा, हरी चना मसूरी सब तो जलगा, लाही वाही बर्तन पूरे कपड़ा हमारे पहने तक का नहीं आई, यानी जो भी गृहस्थी थी आपकी सामान की सारा कुछ जल गया। सारा कुछ जल गया, 20,000 रुपए भी जल गए, 2 जने की जेवर भी जल गई। अच्छा, जेवर जेवर कितने की रही होगी लगभग? जेवर अब 2 जने की रही है, उसकी अलग रही है, उनके घर वाली की, मेरी भी रही है, सब कुछ जल गया। हाँ, वो अभी मौजूद है, दिखा देंगे। अच्छा, तो क्या आपने फायर ब्रिगेड वगैरह को किसी को सूचना दिया आग बुझाने के लिए? नहीं, तो किसको सूचना दी? ग्राम प्रधान को आपने जानकारी दी? आग बुझाने वाली मशीन आई थी। अच्छा, आग बुझाने में काबू पाया उसने? चलिए, गए। और इसके अलावा किसी को आपने सूचना दिया? लेखपाल वगैरह? कौन आया था मौके पे? अच्छा, ग्राम प्रधान भी थे? अच्छा, सचिव साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? अच्छा, लिख पढ़ के ले गए हैं। चलिए, प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में एक आज आग की घटना हो गई है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति का सब कुछ जलकर राख हो गया है, क्या कहना चाहेंगे और कैसी मदद करेंगे इन लोगों की आप? इनका जो है सब इतना घर मकान सब जल गया, वहाँ जो है इनका गृहस्थी कपड़ा लत्ता अनाज सब कुछ जो है ख़त्म हो गया। इसको जो है शासन द्वारा से आदेश करेंगे कि कुछ न कुछ इनको लाभ मिल जाए। सचिव भी आए थे, लेखपालों के हड़ताल चल रहे हैं, लेखपाल जी आए नहीं। हाँ, लेखपालों को सूचना तो दी गई है, बता रहे थे घर के स्वामी। हमने खुद फ़ोन किया है लेखपालों को, जो है लेखपाल लेकिन बता रहे थे कि जो है हमारी हड़ताल चल रही है, इसलिए नहीं आएंगे। तो आप लोगों के द्वारा तत्काल इनकी कैसी किस प्रकार की मदद की गई है और क्या किया जाएगा इन लोगों के लिए? इनको जो है एक एक बोरी अनाज दिलवा दिया गया है, ठेकेदारों से करवाएंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छट्टीकरा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसीकला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।